ये तो 150 साल पुराना आदमी मुझसे कह रहे, खुद कह रहे क्या भाई? भाई पुराने तो है ही, 150 साल पुराना आदमी है तो इसकी मम्मी बनेगी। 150 साल तो खैर नहीं, वो कितना कितना है? कम से कम हम 77 साल के तो है। जूते बनाने की कला है, लेकिन वो कला ऐसी होती है कि हर इंसान की इंसान के अंदर दिमाग होगा तो भी सीख सकेगा। अगर बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब जूते तैयार हो जाए। होते जब से ये फैक्ट्रियाँ जो बनी है ना चालू हुई है जूते जाते का काम, तो ये जो हाथ का जो काम करने वाला वो तकरीबन अभी इनका काम जो है कम हो गया है। जवाहरलाल नाम है, शरावत बहुत है हमारा, 15 साल का बैठा था आज तक कहने में मैं काम कर रहा हूँ। 15 साल से पहले मैं पढ़ता था आर्टिक क्लास, उसके बाद में स्कूल छोड़ गया। 15 साल का बैठा पिताजी के पास यहाँ बैठ गए फिर काम करने के लिए। कई कारीगर थे हमारे पास, 4-5 कारीगर, वो काम करते रहे, हम भी कराते रहे कारीगरों से काम, अफसरों के जो काम है वो भी करते रहे। अब हमारे पापा का नाम प्रभाती राम था, और ये जितने भी जो क्या नाम है पुलिस के अफसर डिपार्टमेंट जो सिपाही से लेकर DGP तक, उनका सभी का हम काम करते रहते थे। ये मास्टर थे स्कूल के अंदर। फिर 2007 के बाद में हमारे पिताजी जो है वो गुजर गए और मैं रह गया इकल्ला, और मेरे से इकल्ले से काम तो दुकानदारी तो नहीं चलती है ना इकल्ले से, वो तो क्या नाम है 2-4 आदमी हो तो कारीगर जब भी चलती है। तो मतलब इकल्ले रहने के कारण फिर क्या नाम है जितना जो मेरे से बना मैं करता रहा, और चाहे तो होता नहीं। पिताजी के गुजरने के बाद में ये हालात जो है ये हमारे तो बनना को बदल गए। हमारे पास तो बहुत सर्टिफिकेट रखे हैं, दिखाएं आप लोग। वैसे ऐसा है कि हमारा काम जो था पहले बड़ा काम था ये, बाकी अब ऐसा है पिताजी नहीं रहे, कारीगर है वो पैसे लेके चले गए, कोई 10,000 कोई 15 कोई 20, ऐसे क्या नाम है काम फिर ख़त्म ही हो गया हमारा। देखो ये हमारे पिताजी का है 1946 का है, देखो ये लिखा ना 1940। ये PWD भंडार है ना, चीफ इंजीनियर PWD का, ये पहले वाइस चांसलर, इसके बाद में रिटायर के बाद वाइस चांसलर लगा था सोनीपत। ये ब्रिगेडियर था, तीनों से अलग डायरेक्टर था, ये एयरफोर्स का नेवी का, ये तीनों का एक था ये डायरेक्टर ब्रिगेडियर। अब तो तीन अलग अलग बन गए, ये हमारे जानकार थे। हमारे तो सिर्फ 2 लड़के हैं और 1 ही लड़की, तो आज से क्या रहा मैं जो भी कर रहा हूँ मैं दुकान पे काम, वो सिर्फ अपने क्या रहा मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मगर कोई थोड़ा सा ये तरकीब आ जाए और जो खर्चा है
कहीं दुकान से निकल जाए। समझे जी, इतना तो हमारे पास, मेरे पास काम तो काफी, लेकिन हो नहीं सकता मेरे से। अब तो ये है कि हमारे बच्चे जो लग जाए तो हम क्या नाम है, बस ये जो आखिरी टाइम है वो हमारा क्या नाम है, जब तक बैठे बैठे अच्छा टाइम मिल जाएगा, उसके बाद में क्या नाम है, बच्चे जाने वो जैसे करें ठीक है। चूचे बुलाने की हमारे बाद क्या नाम है, ये काम तो खत्म ही है।